हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। दिस इज आसिफ इकबाल और आपके पास जो है प्रीवियस टॉपिक बहुत सारा पढ़े आप। आई होप कि आपको एंजॉय लगा होगा। लेकिन आज आपके सामने क्या करेंगे हम लोग, इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत सारे का एप्लीकेशन ही पढ़ रहे हैं हम लोग। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू रॉड ऐसा बोल दे तब क्या बोल रहे हैं। अभी लॉन्ग स्ट्रेट वायर बोल सकता है इस तरह से, सिर्फ हम लोग रॉड सोचते हैं लॉन्ग स्ट्रेट वायर में, या फिर आपको सिलेंडर के बारे में बोल दिए। ये आपके बोर्ड के व्यू से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वीवीआई बोर्ड के हिसाब से अगर हम लोग देखें तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको समझना बहुत ही आसान है, बच्चा अकेले एकदम। अगर इसको हम लोग समझना चाहें तो बच्चा अकेले। आप बताओ कि सबसे पहले एक रॉड होगा और उस पर क्या होगा, चार्ज जो है क्यों चार्ज क्या किया जाएगा उस पर डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। कैसा डिस्ट्रीब्यूशन, तो यूनिफॉर्मली। देखिए क्यों चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट, मतलब क्या हर जगह एक तरह का चार्ज दिया हुआ है। अब क्या कहते हैं सर, क्योंकि गॉस लॉ का एप्लीकेशन है तो क्या करेंगे आप, गॉसियन सरफेस बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे। और चूंकि बोले थे ना थोड़ा देर पहले कि अगर ये मेरे पास क्या है स्केच सिलेंडर है तो इसका गॉसियन सरफेस भी इसी तरह से बनेगा। तो सर गॉसियन सरफेस आप इसलिए आप कैसे बनाओगे, तो सर इसका गॉसियन सरफेस अगर आप बनाते हो तो आप इसको ऐसे करना पड़ेगा, यही मेरा गॉसियन सरफेस। अब गॉसियन सरफेस ये हो गया, मान लेते हैं कि हमारे पास, तो क्या कहते हैं कि एक गॉसियन सरफेस मानते हैं। लेट अस सपोज दैट, लेट अस सपोज दैट वी टेक अ जीएस गॉसियन सरफेस ऑफ रेडियस स्मॉल आर। इसमें हम लोग रेडियस जो है स्मॉल आर एंड क्या गया ऑफ एल बी द लेंथ ऑफ वायर। वायर का लेंथ है, यहां से यहां का जो लंबाई है वो मेरा एल लेंथ है। गौर से देख रहे हैं। अब क्या कहता है सर, क्यों चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। आप बताओ कि हमारा इंटरेस्ट क्या है, आवर इंटरेस्ट इज टू फाइंड आउट द ई इलेक्ट्रिक फील्ड कहां पे। तो हम लोग एज्यूम कर लेते हैं ये पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। देख रहे हैं ये इस पॉइंट पर पी पॉइंट पर निकालना है, तो सर ई पी निकालना है, हमारा इंटरेस्ट यही है। इससे ज्यादा ईपी के लिए सबसे पहले क्या करना होगा, यहाँ पे एक तरह का चीज होना होगा। तो ये जो मेरा गॉसियन सरफेस का, ये सर ईपी में इलेक्ट्रिक फील्ड तो इधर होगा, इसमें सहमत। अब बताओ कि सर इस पे जो परपेंडिकुलर एरिया डी एस जिसको बोलते हैं, ये इस डायरेक्शन में होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। अब आते सर कि आप जो अब गॉस का लॉ की अप्लाई करेंगे, अप्लाइंग गॉस लॉ। सर गॉस लॉ बोलता है क्या, देखो गॉस लॉ क्या बोलता है, गॉस लॉ कहता है कि टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स इंक्लोज्ड बाय गॉसियन सरफेस, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स मतलब टोटल जो फ्लक्स होगा ना गॉसियन सरफेस के अंदर, गॉसियन सरफेस के अंदर इज इक्वल टू क्यू इन। क्यू इन मतलब क्या, ये तो मेरा गॉसियन सरफेस है ना, तो क्यू इन इसके अंदर चार्ज कितना है, चार्ज उसके अंदर क्यू है, क्यू इन बाय एप्सिलॉन नॉट। तो इसी चीज को देखो, क्योंकि आप जानते हो टोटल फ्लक्स को हम लोग इसी तरह से दिखाते हैं। अभी बोलता क्या है, ई क्यू इन बराबर, क्यू इन बाय एप्सिलॉन नॉट। यही होता है अपने पास जब आप इस चीज को सीख पा रहे हैं। सपोज करो कि आप इस पे सीखने पर, आप बताओ कि चूंकि आप जब सीख गए, ये तो लैंग्वेज था, इसकी जरूरत नहीं है यहां पर, तो लैंग्वेज को हटा के हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। देखो आपको करना क्या होगा कि थोड़ा सा स्पीड होगा तो आप वीडियो को पॉज करोगे, आप फिर वहां पे से सीखोगे और दो बार तीन बार रिवाइंड करोगे, देखोगे सुनोगे तो फिर आपको याद हो जाएगा। अगर फिर भी नहीं याद होगा तो फीडबैक है ना आपके पास, कमेंट में पर्सन बोलेंगे फिर से नया वीडियो ना डाल देंगे। तो इसमें देखिए तो सबसे पहले तो फ्लक्स का डिफिनेशन क्या कहता है, ई डॉट डी एस मतलब क्या सर, फाई ई डॉट डी एस, ये वाला चीज को हम लोग कन्वर्ट कर रहे हैं, इज इक्वल टू क्यू इन सर अंदर में कितना चार्ज, क्यूमिन मतलब क्या अंदर में कितना चार्ज, तो अंदर में चार्ज है क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब बताओ ई तो हर जगह यूनिफॉर्मली होगा तो ई बाहर निकल जाएगा, तो सर ई बाहर निकालेंगे,
ई बार इंटू डी एस क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। समझ पा रहे हो? अब तुमसे पूछा जाएगा, देख लो बाबू, अब तुमसे पूछा जाएगा कि सर ये चीज क्या है? एरिया, एरिया मतलब एरिया का जोड़, एरिया का जोड़ मतलब टोटल एरिया, टोटल एरिया मतलब टोटल सरफेस एरिया। समझ पा रहे हैं? एरिया का जोड़, ये जो है इंटीग्रेशन मतलब होता है क्या? सर हम लोग 10th क्लास में ना बहुत ज्यादा पढ़े ना समेशन। सर इंटीग्रेशन मतलब होता है जोड़, जोड़ या फिर समेशन या सिग्मा भी हम लोग कहते हैं। तो सर जोड़ना है, टोटल एरिया को जोड़ना है। टोटल एरिया का जोड़ने का मतलब क्या होता है कि टोटल सरफेस एरिया के बारे में पूछा जाए। सर सिलेंडर है ना, टोटल सरफेस एरिया अगर नहीं आता तो ई वाला एरिया इनटू ई वाला सरकमफेरेंस है, ई वाला लेंथ। सर टोटल सरफेस एरिया क्या रहेगा? ई, ई वाला जो सरकमफेरेंस 2 पाई आर, लेंथ कितना है एल। समझ पा रहे हैं? कितना आसान है। इसका लिए पूछा जाए कि सरकमफेरेंस की सर इसका जो टोटल सरफेस एरिया क्या 2 पाई आर। अब यहाँ पे करेंगे सर क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। सर आपको इतना चीज समझ में आ गया, क्योंकि आप फिर से नीचे नहीं दिखाई पड़ेगा तो फिर हम लोग यहाँ पे से मिटा के फिर ऊपर ले जाएंगे। देखो तब तो सर इस चीज को लिखेंगे तो ई इंटू टू पाई आर एल इंटू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। समझ पाए? तो सर अगर आपसे पूछा जाएगा ई क्या होगा तो ई बराबर आप क्या लिख दोगे? तो सर 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपॉन आर इंटू एल, यही ना लिखोगे क्या कुछ? अगर इतना चीज आप लिख पाते हो तुम बताओ, ये जो है चार्ज इसको क्या पढ़ेंगे लोग? चार्ज पर यूनिट लेंथ पढ़ेंगे कि नहीं? चार्ज पर यूनिट लेंथ। सर इसका मतलब क्या बात? चार्ज को डिवाइड कर रहे हैं इकाई लेंथ से, मतलब पूरे लेंथ को डिवाइड कर रहे हैं। तो यूनिट एरिया में जो भी, जो यूनिट लेंथ में जो भी चार्ज है उसी के बारे में बोले जा रहा है। तो सर चार्ज पर यूनिट लेंथ में फिजिक्स के क्वांटिटी में एक टर्म से यूज करते हैं, उसको हम लोग लैम्डा बोलते हैं, जिसको हम लोग लीनियर चार्ज डेंसिटी बोलते हैं। तो सर आप बताओ कि आप इसको क्या लिख सकते हो? सर इतना बराबर 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू, सर इस चीज को चार्ज पर यूनिट लेंथ को हम लोग क्या बोलते हैं? इस चीज को बोलते हैं लैम्डा। लैम्डा का दूसरा नाम क्या था? लीनियर चार्ज डेंसिटी। लीनियर चार्ज डेंसिटी, चार्ज डेंसिटी, डेंसिटी लीनियर चार्ज डेंसिटी। तो सर अपने पास क्या आएगा? नीचे में तो ये आर है, यहाँ पे लैम्डा। सर ये वाला चीज कितना बार एग्जाम में पूछा उसका कोई काउंटिंग नहीं, बहुत बार एग्जाम में पूछा। अगर इसी के बारे में अगर ग्राफ पूछते तो आप बोलो तो ई और ई और वेरिएबल क्या होगा? सर आपका ई बराबर क्या होता है? लैम्डा बाय 2 पाई आर इंटू 2 पाई एप्सिलॉन 0, 2 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू आर। सर इसका ग्राफ खींचना है, ग्राफ खींचो तो बाबू ग्राफ। सर ग्राफ अगर खींचना होता तो कैसे लिखते? सर ई यहां पे लिख देते हैं, यहां पे आर लिख देते। सर ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है या नहीं है? ये मेरा हो जाता है वाई और ये हो जाता है 1, इधर हो जाता है एक्स। तो 1/x का ग्राफ, 1/x का ग्राफ ऐसा होगा कि नहीं होगा? खत्म सा ये सब नीट का क्वेश्चन वगैरह होता है तो आप वहां से पकड़ सकते हैं। आई होप कि आपको बहुत इंजॉय होगा, समझ में आया होगा, ये ज्यादा भारी चीज नहीं। थैंक यू, फिर हम लोग कर लेते हैं।